दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस समय मैं हर की पैड़ी के पास जो हाईवे पड़ता है वहां पर हूं और यहां से आपको हर की पैड़ी तक के बीच का जो रास्ता है वो दिखाऊंगा और रास्ते में पड़ने वाले जितने भी मुख्य स्थान हैं वो भी आपको हम दिखाएंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होगी और उसके साथ साथ थोड़ी बड़ी वीडियो होगी क्योंकि हाईवे से हर की पैड़ी तक पहुँचने में काफ़ी दूरी पड़ती है। कई मुझे लगता है कि लगभग 600-700 मीटर आपको पैदल भी चलना पड़ेगा और इस रास्ते में कई ज़रूरी पॉइंट आते हैं, चाहे वो पार्किंग हो या हर की पैड़ी तक आसानी से कैसे पहुंचा जाए, ये सभी जानकारी हम आपको देंगे। और ये एक ऐसी जगह है कि जो आप लोगों के लिए ऋषिकेश जाते समय बहुत ही काम आएगी। ये जो विक्रम यहाँ पर खड़ा दिख रहा है आपको, ये विक्रम यहाँ से ऋषिकेश के लिए मिलते हैं और ये वाला जो रास्ता है, ये जो सामने आपको रास्ता दिख रहा है, ये हर की पैड़ी के लिए जाता है। आप हर की पैड़ी के लिए जब आएंगे तो यहाँ से आकर यहाँ से विक्रम पकड़कर आसानी से ऋषिकेश तक के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर एक दो विक्रम या उससे ज़्यादा कहीं विक्रम देखने को मिलेंगे और 60 रुपये पर पर्सन लेते हैं, आसानी से आपको ऋषिकेश तक छोड़ देंगे। और अब मैं हर की पैड़ी की ओर लेकर चलता हूँ। पार्किंग के बारे में भी जानकारी देंगे हम, वीडियो में बने रहें और लास्ट तक देखना है। और अगर आप ऐसे ही लगातार हरिद्वार की वीडियो देखना चाहते हैं, ऋषिकेश की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो थोड़ी देर में हर की पैड़ी हम पहुँच जाएंगे, वहाँ से दर्शन कराएंगे। गंगा जल कितना आ रहा है ये भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा और कितने श्रद्धालु हैं वो आप वीडियो में देख पाएंगे। दोस्तों जैसे ही थोड़ा सा आप आगे चलेंगे तो यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग देखने को मिलेगी और पार्किंग के लिए जो रास्ता है वो इस तरफ जाता है। यहाँ पुल के नीचे से निकलना होगा, अंडरपास है और ये जो रास्ता है ये जाता है हर की पैड़ी के लिए। तो थोड़ा सा अंडरपास भी दिखा देते हैं जहाँ पर आप अपनी कार जो है बाइक पार्क कर सकते हैं। ये देखिए ये अंडरपास है, अंडरपास से जैसे ही आप आगे निकलेंगे तो आपको पार्किंग नज़र आने लगेगी जहां पर आप अपनी कार और बाइक दोनों पार्क कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं हर की पैड़ी की ओर। दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी बड़ी ज़रूर होगी लेकिन आपने अगर पूरी देखी तो हरिद्वार यात्रा के समय आपकी बहुत ज़्यादा मदद भी होगी। तो जल्दी से हर की पैड़ी तक ले चलते हैं और रास्ते में कौन कौन से आपको घाट मिलेंगे उनके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे क्योंकि कई घाट हर की पैड़ी से आपको पहले देखने को मिलेंगे और कई बार जब बड़ा स्नान आता है तो आप हर की पैड़ी से पहले भी किसी भी घाट पर गंगा स्नान कर सकते हैं। और ऊंचे पहाड़ों पर आपको मनसा देवी मंदिर भी नज़र आ रहा होगा। पास से जब हम पहुँचेंगे तो वहाँ से दर्शन भी आपको कराएंगे। अभी थोड़ा सा डिस्टेंस है तो और नज़दीक पहुंचेंगे तो अच्छे से आपको मनसा देवी मंदिर नज़र आएगा। ये सामने आपको एक गेट नज़र आ रहा है, जैसे ही इस गेट से पार करेंगे तो आपको घाट मिलना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले गौ घाट मिलेगा और कुसा घाट भी सामने पड़ता है, शिव घाट भी मिलेगा और उसके बाद हर की पैड़ी के जो मुख्य घाट हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो को लाइक करते जाएं और शेयर ज़रूर करें, सभी लोग वीडियो को शेयर करते जाएं। ये जो हरिद्वार की वीडियो हैं आप लोग शेयर ज़रूर किया करें, इतना साथ आप लोग ज़रूर दिया करें। ये देखिए बड़ा सा गेट है और गेट के सामने आपको एक पुल नज़र आ रहा होगा, ये हाथी वाला पुल है जो गौ घाट के लिए जाता है। ये देखिए ये पुल है जो कि गंगा जी में बना हुआ है और हाथी वाला पुल है। आप आगे पुल पार करके राइट हैंड मुड़कर भी हर की पैड़ी की ओर जा सकते हैं और उससे पहले पुल से पहले ये रास्ता जो है गौ घाट शिव घाट और शिव पुल से होते हुए भी हर की पैड़ी जा सकते हैं। तो अभी हम इसी रास्ते से जाएंगे। ये देखिए अब हम गौ घाट पर आ चुके हैं। गौ घाट दोनों तरफ पड़ता है, इस तरफ भी गौ घाट पड़ता है
और पुल के उस तरफ भी गौघाट पड़ता है। कह सकते हैं कि पुल के इस साइड भी गौघाट है और पुल के उस साइड भी गौघाट है। आज की वीडियो तो अच्छी आ रही होगी, पूरा साफ आ रहा होगा, बिल्कुल क्लियर आप देख पा रहे होंगे। जल देखिए कितना अच्छा दिख रहा है आज। जैसे ही गऊ घाट में थोड़ा सा हम आगे चलेंगे तो शिव घाट आ जाएगा, और शिव घाट से तो कई बार हम आपको हर की पैड़ी पर ले गए हैं, तो आगे का रास्ता तो आपको अच्छे से पता होगा। आज श्रद्धालुओं की संख्या देखिए कितनी कम नजर आ रही। कल की वीडियो में हमने बताया था कि वीकेंड में तो काफ़ी लोग अभी भी आ रहे हैं, लेकिन वीक डेज में बहुत कम लोग पहुंचते हैं। और ये जो वीडियो है एक बार बताना चाहेंगे हम, ये 3 दिसंबर के दिन की है, सोमवार के दिन की। और अब जो है शिव घाट के पास हम पहुंच चुके हैं। एक बार पुनः आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करते जाएं। यहाँ देखिए शिव घाट लिखा हुआ है, यहाँ से शिव घाट शुरू हो जाता है और यहाँ पर शिव जी के दर्शन भी होते हैं। ये देखिए और सामने जो पुल नज़र आ रहा है शिव पुल, इसी पुल से होते हुए हर की पैड़ी की ओर जाएंगे, लेकिन पहले आपको हम मनसा देवी मंदिर दिखाते हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए अच्छा लग रहा होगा ना, पूरा क्लियर मंदिर आ रहा होगा इस समय। थोड़ा सा और जूम करते हैं। जय मनसा देवी, जय माता दी लिखते जाएं और वीडियो को लास्ट तक देखना है। आइए अब हर की पैड़ी की ओर चलते हैं। आज की वीडियो आप सभी को बहुत अच्छी लग रही होगी। अब हम शिव पुल में पहुंचने वाले हैं। शिव पुल से होते हुए लगभग 1 से 2 मिनट में हर की पैड़ी के मुख्य घाट तक पहुंच जाएंगे। ये देखिए शिव पुल में इस समय हम चल रहे हैं। और यहाँ पर हम खड़े होकर आपको कुछ देर गंगा जी के दर्शन भी कराएंगे। मनसा देवी मंदिर आपको दिख रहा होगा आगे। आज शिव पुल की जो मार्केट जो यहाँ लगा करती थी वो सारी हटा दी गई है। और इस तरफ देखिए आप लोग, बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। जय गंगे माता लिखते जाएं। देखिए गंगा जल देखिए आप लोग। बच कुछ सेकंड में आप लोग हर की पैड़ी से माँ गंगे के दर्शन करेंगे। आज हर की पैड़ी की जो झलक यहाँ से नज़र आ रही है उससे तो लग रहा है कि बहुत कम श्रद्धालु हैं। आप सभी दर्शन करिए। अब ये हर की पैड़ी का नाई घाट है। फिलहाल जो दृश्य देख रहे हैं ये नाई घाट के देख रहे हैं। आज भी गंगा जल हमें कम नज़र आया है, लेकिन कल से थोड़ा सा ज़्यादा है गंगा जल, क्योंकि कल रेलिंग के अंदर बिल्कुल भी जल नहीं था, आज थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है।
दोस्तों, अगर आप ऐसे ही लगातार हरिद्वार की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि हम यहां पर लगातार हरिद्वार की वीडियो लाते रहते हैं और यात्रा से जुड़ी हुई सभी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। आइए नाई घाट पर दर्शन कराते हैं। यहां पर गंगा जी की लहरों को देखें आप लोग। आइए बड़ी धारा के दिखाते हैं, धनुष पुल के पास के दृश्य दिखाते हैं आपको। दोस्तों, आप देख सकते हैं बड़ी धारा के सामने हम आ चुके हैं और यहाँ पर धनुष पुल के नीचे की जो धारा है वहाँ के ताज़ा दृश्य देख सकते हैं और सच में इन दृश्यों को देखकर आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। जय गंगे माता लिखते जाएं और वीडियो को शेयर करते जाएं। अब मैं आपको लेकर घंटाघर घाट, ब्रह्मकुंड घाट और मालवी घाट की ओर चलूँगा और कुछ दृश्य वहाँ के भी देखेंगे। आज घाट तो खाली नज़र आ रहे हैं, किसी भी घाट में जाइए, कल तो कुछ भीड़ थी, कल रविवार था, लेकिन आज फिर से घाट खाली हो चुके हैं। अगर आप हरिद्वार आना चाहते हैं तो आपके लिए एक तरह से अच्छा मौका है। ठंड हो रही है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, आप आ सकते हैं। और यहाँ से देखिए पतित पावनी माँ गंगे के दर्शन कर सकते हैं। हरिद्वार में तो कहीं भी जाएंगे आपको गंगा जी के दर्शन हो जाएंगे। सामने देखिए घंटाघर घाट। आज तो श्रद्धालु अभी से बैठ गए हैं गंगा जी की आरती देखने के लिए, बट अभी समय काफी बाकी है। आइए आपको ब्रह्मकुंड घाट दिखाते हैं। ये देखिए, ये है ब्रह्मकुंड घाट, इस तरफ है घंटाघर घाट। देखिए आज श्रद्धालु पहले से ही गंगा जी की आरती देखने के लिए बैठ गए हैं और अभी भी 2 घंटे 2.5 घंटे से ज़्यादा का समय बाकी है। आजकल गंगा जी की आरती जो है वो 5:20, 5:25 के आसपास होती है, तो आप अगर 4:30 बजे भी हर की पैड़ी में आते हैं तो आपको अच्छे से गंगा जी की आरती देखने को मिल जाएगी, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है। आइए मालवी घाट के दर्शन कराते हैं। आज तो कई घाट आपने देख लिए, हाईवे से लेकर हर की पैड़ी तक का सफ़र, जो बीच का लगभग 600 मीटर की यात्रा है वो भी आपने देख ली होगी और यहाँ से मालवी घाट शुरू हो जाता है। देखिए महिला घाट, मालवी घाट, दोनों घाट खाली हैं आज। जय गंगे माता लिखते जाएं और वीडियो को शेयर करते जाएं, बस एक ही काम रहता है कि आप दर्शन करें और दूसरों को भी दर्शन कराएं। आइए यहाँ के भी कुछ दृश्य दिखाते हैं और फिर उसके बाद गंगा जी की एक सुंदर सी जो प्रतिमा बीच धारा में है वहाँ से भी दर्शन कराएंगे और फिर उसके बाद वीडियो को हम समाप्त करेंगे। आप लोगों के लिए मुकेश हेल्प यूट्यूब चैनल में मैं कई वीडियो ला चुका हूँ जो यमुनोत्री धाम यात्रा की हैं और उसके साथ साथ मसूरी की भी कुछ वीडियो हमने अपलोड की है, तो आप लोग मुकेश हेल्प यूट्यूब चैनल में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर ले, वो हमारा मेन चैनल है। जैसे यहाँ पर हरिद्वार के दर्शन ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर उत्तराखंड के जितने भी मुख्य स्थान हैं वहाँ की वीडियो आती रहती हैं। आइए आपको माँ गंगे के दर्शन कराते हैं। दोस्तों यहाँ से आप सभी देख सकते हैं माँ गंगे की एक सुंदर सी प्रतिमा, दर्शन करिए आप लोग।
ये देखिए, और इस तरफ भोलेनाथ जी हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं से समाप्त करते हैं। अगर ऐसे ही लगातार वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। आप सभी लोग कोई सवाल है आपका तो इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी मुकेश हेल्प नाम से है। आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी।